जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे सही पढ़ा है। अगर आप बड़े कारपेट में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आज मैं पुणे बेंगलोर हाईवे पे खड़ा हूँ पाषाण में, और यहाँ पे काफ़ी रेप्यूटेड सोसाइटी है जिसके ए और बी विंग का पोजीशन काफ़ी पहले ही हो चुका है, और जो सी बिल्डिंग है उसमें आपको एक फ्लोर पे 2 2 BHK और 2 3 BHK इस टाइप में 48 फ्लैट मिलने वाले। टोटल 12 फ्लैट मंजिला ये बिल्डिंग है, और अगर आप ज़्यादा कारपेट में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही फ्लैट का टूर करवाएंगे, सैंपल फ्लैट का, जो पुणे में लगभग इतना बड़ा कारपेट कोई देता नहीं है। 2 BHK का कारपेट लगभग 800 स्क्वायर फुट का है, और 3 BHK का कारपेट लगभग 1150 स्क्वायर फुट के आसपास है। काफ़ी बड़ा फ्लैट है, सैंपल फ्लैट रेडी है, तो हम सैंपल फ्लैट को रिव्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं एमिनिटी स्पेस में खड़ा हूं, तो एमिनिटी स्पेस में क्लब हाउस दिया गया है, जिम दिया गया है, लैंडस्केप गार्डन है, चिल्ड्रन प्ले एरिया दिया गया है। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न सिट आउट है, यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी भी यहाँ पे दी गई है। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, पिछले 4 साल से यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, और आप बड़े कारपेट में अगर इंटरेस्ट रखते हो और आपको हाईवे के टच अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हो और आपको अर्लियर पोजीशन अगर चाहिए तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो आइए अभी हम सैंपल का टूर करते और फ्लैट को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्डिंग का लॉबी है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लॉबी यहाँ पे दिया गया है, और इस टाइप का पार्किंग है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये रेडी पोजीशन बिल्डिंग है। तो ऐसे नीचे भी पार्किंग दिया गया है और ऊपर भी पार्किंग है, और हर फ्लैट को कंपलसरी यहाँ पे आपको जो पार्किंग है वो दी गई है। तो लॉबी देखिए आप कितना यहाँ पे बढ़िया लॉबी दिया गया है। तो आइए अभी हम एक्चुअल फ्लैट को देखते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर के लॉबी में खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है, और इसके सामने ये जो 2 दिख रहे हैं ये 2 2 BHK, और आप लॉबी देख सकते हो दोस्तों ये 3 BHK है। मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड में भी 3 BHK और लेफ्ट साइड में भी 2 BHK, तो आप लॉबी देख सकते हो 3 BHK का लॉबी लगभग 20/4 का तो सिर्फ सामने लॉबी है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 BHK को देखते हैं। तो ये 2 BHK का ग्रैंड एंट्रेंस दिया गया, फिनिशिंग और डोर की जो क्वालिटी है, फिटिंग्स की, वो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दी गई है। यहाँ पे आपको पैसेज भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है डोर के सामने, और आप ये हॉल देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा हॉल है, 11/18 का ये हॉल है। आप इतना बड़ा हॉल आपको देखने को मिलता नहीं जनरली। उसके अलावा इसको टेरेस अलग है यहाँ पे इस साइड में, और ये रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से ये वेंटिलेशन के लिए काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। उसके अलावा वाइड आपको यहाँ पे डोर दिए गए हैं टेरेस में, तो इसके वजह से जो रोशनी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी हमेशा। उसके अलावा डाइनिंग एरिया जो है वो 7/8 का डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, जो अलग से दिया गया है। उसके अलावा अगर किचन की बात करते हैं तो 8/10 का यहाँ पे किचन है, वो भी काफ़ी बढ़िया बड़ा दिया गया है। उसके अलावा 3/10 का ड्राई बालकनी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। 2 BHK को ये अंदर के साइड में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ से जब हम अंदर आते हैं डाइनिंग एरिया से, तो लेफ्ट साइड पे कॉमन टॉयलेट यहाँ पर दिया गया है, जिसका एरिया 8/4.5 फीट में भी पूरा एरिया है कॉमन टॉयलेट का। कॉमन टॉयलेट के सामने कॉमन बेडरूम दिया गया है, जिसको हम चिल्ड्रन के लिए बेडरूम भी कह सकते हैं, वो 10/10 का है। अभी मैं लगभग 6:30-7 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 6:30 के आसपास टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी आप रोशनी देख सकते हो कि बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ओवरऑल शेप होने की वजह से वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये मास्टर बेडरूम की साइज देखिए दोस्तों, 10/6x13 का ये मास्टर बेडरूम है, और जो विंडो दी गई है वो काफ़ी सोच समझ के आर्किटेक्ट ने दी है, उसकी वजह से जो लाइट है वो काफ़ी अच्छे से अंदर की तरफ आ रही है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। और ये मास्टर बेडरूम का ये टॉयलेट है जो 8/4/7 का है, 8x4.7 का है, और काफ़ी बढ़िया है, और मार्बल वगैरह काफ़ी यूज अच्छा किया गया है, जो फिटिंग्स है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, पुणे के सबसे रेप्यूटेड बिल्डर का प्रोजेक्ट है, तो बहुत ही बढ़िया सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों आइए अभी हम 3 BHK को देखते हैं। तो दोस्तों आप 3 BHK का लॉबी देख सकते हो, लगभग 20/4 का ये लॉबी है, ये 4 फीट है और ऐसा 20 फीट है, इतना बड़ा एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा ये आप गेट यहाँ पे डोर देख सकते हो, जैसे आप अंदर आते हो, पुणे में मैंने इतना बड़ा आज तक दोस्तों कभी हॉल देखा नहीं है। कितना बड़ा हॉल है देखिए, कारपेट कितना बड़ा है इस फ्लैट का। हॉल के अगर बाहर अगर तो 12/26 का सिर्फ हॉल ही है दोस्तों यहाँ पे। उसके अलावा टेरेस अलग है, तो इतना बड़ा कारपेट देखने को जनरली मिलता नहीं है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि विंडो काफ़ी बड़ी बड़ी देने की वजह से वेंटिलेशन काफ़ी आपको अच्छा मिल रहा है। उसके अलावा हॉल का लगकर यहाँ पे किचन है जो 8/10 का किचन है, और उसके अलावा ड्राई बालकनी वहाँ पे दी गई है, ये
ये साइड में, ये पे ओरल शेप होने की वजह से 3x6 का एवरेज ट्राई बालकनी है, और इसको लग के जो गेस्ट बेडरूम कहते हैं हम लोग, वो ये साइड में दिया गया है। यहाँ पे जो 10x14 का गेस्ट बेडरूम है, और यहाँ पे 8x4.5 का यहाँ पे गेस्ट बेडरूम का जो टॉयलेट है वो अटैच है। उसके अलावा वहाँ पे सामने की तरफ 2 बेडरूम दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो 10x14 का ये मास्टर बेड है। उसके अलावा इसको 8x5 का यहाँ पे अलग से टॉयलेट दिया गया है मास्टर बेडरूम को। तो आप अगर आप नोटिस करोगे तो कारपेट काफ़ी बड़ा दिया गया। अभी जिस फ्लैट में हम लोग खड़े हैं इसका कारपेट है 1184 स्क्वायर फुट, 1184 स्क्वायर फुट का ये कारपेट है इस 3BHK का। उसके अलावा ये कॉमन बेडरूम जिसको चिल्ड्रन बेडरूम कहते हैं, वो भी 10x11.5 का ये कॉमन बेडरूम है। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा कारपेट हाईवे टच पाषाण में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है, और इसका पजेशन काफ़ी जल्दी आपको मिलने वाला है। तो अगर रेट वाइज और सारे एंगल से अगर आप इसको अदर प्रोजेक्ट से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी बेस्ट प्रोजेक्ट है। और 2 विंग का ऑलरेडी पजेशन हो चुका है यहाँ पे, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, और 48 फ्लैट में से भी लगभग 50% ये प्रोजेक्ट बेचा जा चुका है। तो दोस्तों आप टेरेस देख सकते हो कितना बड़ा टेरेस दिया गया है, और ये पूरा आर्मी का लैंड होने की वजह से आगे के साइड में ये वेंटिलेशन काफ़ी ऐसा ही बना रहेगा। तो लास्ट में हम प्राइस की बात करते हैं। इतने बड़े कारपेट का दोस्तों अगर आप 2BHK की कारपेट की बात करते हैं तो लगभग 800 स्क्वायर फुट का कारपेट है, और इसका जो पैकेज कॉस्ट है वो 79.5 दिया गया है। काफ़ी अच्छा रेट दिया गया है दोस्तों, क्योंकि पजेशन काफ़ी जल्दी है। और अगर 3BHK की बात करते हैं तो 1.11 मीन्स 1.11 करोड़ से लेके 1.15 करोड़ तक पैकेज कॉस्ट है 3BHK का। लेकिन कारपेट जो है वो कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा कारपेट यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द विजिट करनी चाहिए, पुणे के काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, और अर्लियर पजेशन है। तो आप इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द विजिट कीजिए, और आपको अगर कोई भी सवाल हो तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय।